दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं बल्कि वॉर होता है, और एक बार फिर से इस वॉर में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपने आगे सरेंडर करने पर मजबूर कर ही दिया। और एक बार फिर से ये बता दिया कि भाई साहब बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, रहता तो बाप का बेटा ही है। और एक बार फिर से इन्होंने बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। मतलब पाकिस्तान की टीम को जिस तरह से कल रेड़ा है भाई साहब, किसी को भी विश्वास नहीं हुआ होगा। एक समय पर तो भारतीय क्रिकेट फैंस ने ये आस छोड़ी दी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच को जीतने वाली है, क्योंकि एक समय पर ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम इस मैच को बुरी तरीके से हारेगी और जलील होकर हारेगी। लेकिन भाई साहब भारतीय टीम तो भारतीय टीम ठहरी, और पाकिस्तान के आगे भारतीय टीम सरेंडर कर दे ऐसा हो नहीं सकता। और एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को जलील कर ही दिया। मतलब 119 रन के टारगेट को भी पाकिस्तान की टीम को चेस करने नहीं दिया भारत के गेंदबाजों ने। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस मुकाबले में। इस मुकाबले की बात करने से पहले मैं एक सवाल आईसीसी से करना चाहूंगा कि भाई साहब आपको बल्लेबाजों से क्या दिक्कत है जो इतनी घटिया पिच बना रहे हो। मतलब 119 रन कोई टीम अगर बना रहा है, वो भी भारत जैसी टीम, वो भी पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट, तो आप समझ लीजिए कि पिच का लेवल कितना गिरा दिया गया है। मतलब ये वो कंडीशन है जहां पे भारतीय बल्लेबाज या फिर कह दो वर्ल्ड लेवल के बल्लेबाज रन बनाते हुए तरस रहे हैं। मतलब टीम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस पिच पे अगर स्कोर हमें देखने को मिल रहा है तो वो 160 देखने को मिल रहा है हाईएस्ट स्कोर। और लोएस्ट स्कोर की तो बात ना ही करें तो भाई साहब बेहतर है, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह की बल्लेबाजी के साथ यहां पे आई है, हमें उम्मीद था कि 200 रन तो आसानी से बना ही नहीं। बट भाई साहब आईसीसी ने जिस तरह का पिच तैयार किया वहां पे 200 तो बहुत दूर की बात है, वहां पे 130 रन के स्कोर पर भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि पहले तो पपुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज के मुकाबले में काफी लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला, फिर ओमान के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मात्र 160 रन बनाए। अब भारत की टीम और आयरलैंड के बीच जब मुकाबला हुआ तो वहां भी 100 रन से अंदर का ही मुकाबला देखने को मिला, और भारत और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबला हुआ तो यहां पर भी हमें 120 रन से अंदर का मुकाबला देखने को मिला। मतलब इससे तो एक बार साफ साबित हो रहा है कि शायद आईसीसी आईपीएल का बदला इस टूर्नामेंट में हमसे ले रही है। मतलब भाई साहब आईपीएल में काम गर्दम मचते हुए देखते थे और यहां पे तो भाई साहब भूली नहीं उड़ रही है। मतलब क्या ही मैच देखने को मिल रहा है, 120 रन 119 रन, भाई साहब क्या मतलब क्यों बनाया ऐसा पिच। तो चलिए करते हैं मुकाबले की बात। इस मैच में टॉस जीता पाकिस्तानी टीम ने और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, और भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और पाकिस्तान को लगने लगा कि शायद इस मुकाबले को हम काफी आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो रोहित शर्मा के नाम 13 रन और विराट कोहली के नाम 4 रन रहे, और ये दोनों हमारे इस मुकाबले के ओपनर बल्लेबाज रहे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक बार फिर से शुरुआत करी और काफी गंदी शुरुआत करी इस मैच में। अब भाई साहब पिच को दोष दे या फिर इनके परफॉर्मेंस को दोष दे किसी को समझ नहीं आ रहा, बट एक बार मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि विराट कोहली का यह पहला सिंगल डिजिट स्कोर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में। सिंगल डिजिट छोड़ दो, इससे पहले जितने बार भी विराट कोहली और पाकिस्तान का सामना हुआ है सभी मैच में विराट कोहली का स्कोर 35 से ऊपर का रहा है, और ऐसा मौका पहली बार आया जब विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हो, या फिर यू कहे तो 35 से कम के स्कोर पर आउट हुए हो। अब आप समझ लीजिए कि विराट कोहली का लेवल क्या है पाकिस्तान के अगेंस्ट। बट अगर इस मुकाबले में वो नहीं चले तो एक बात तो तय होगा कि पिच में बहुत ही गड़बड़ी है, क्योंकि भाई साहब जहां पे विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे प्लेयर फ्लॉप हो रहे हो तो फिर भाई साहब पिच की बुराई तो करनी बनती है। वहीं इस मुकाबले में भारत की तरफ से जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए वो रहे अक्षर पटेल और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का नाम इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 31 गेंदों में 42 रन रहे, वहीं अक्षर पटेल के नाम 20 रन रहे 18 गेंदों में, और इन दोनों के कारण ही टीम इंडिया का स्कोर 119 रन तक पहुंचा। अब समझ लीजिए कि भाई साहब 119 रन पहुंच रहा है, हम बोल रहे हैं कि 119 रन तक पहुंचा। भाई साहब पिच का हाल कुछ ऐसा ही है कि यहां पे 120 भी काफी बड़ा स्कोर है। अब इस स्कोर का जब पीछा करने के लिए पाकिस्तान के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो भाई साहब काफी सदी हुई शुरुआत करी, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने काफी सदी हुई शुरुआत की। रिजवान के नाम 31 रन रहे, वहीं बाबर आजम के नाम 13 रन रहे, और आपको बता दूं कि इस टीम ने 80 रन तक मात्र 2 ही विकेट खोए थे, और इनके तरफ से जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए वो रहे मोहम्मद रिजवान, जिनके नाम 31 रन रहे 44 गेंदों में, वो भी 70 के स्ट्राइक रेट से। अब भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना पिच में, तभी तो इतनी खराब बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर गेंदबाजों की बात करें तो भाई साहब जमकर बवाल कटा है कल। अर्शदीप सिंह ने कल 4 ओवर में 31 रन दिए और उनको विकेट एक ही मिला। मोहम्मद सिराज के नाम पर 4 ओवर में 19 रन रहे, उनको कोई भी विकेट नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह जिनके कारण इस मैच को हमने जीता है, उनके नाम 4 ओवर में 14 रन रहे और 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किया, और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने साथ ले गए। वहीं 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट हार्दिक पांडे के नाम रहे। रविंद्र जडेजा को एक विकेट नहीं मिला, उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी करी और मात्र 10 रन दिए। वहीं अक्षर पटेल के नाम 1 विकेट रहा और उन्होंने 2 ओवर में 11 रन दिए। और भारतीय टीम के इन शानदार गेंदबाजों के कारण पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में मात्र 113 रन तक ही पहुंच पाई, और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 6 रनों से अपने नाम कर लिया। और लास्ट का जो 6 ओवर में देखने को मिला काफी रोमांचक रहा, जहां पर भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की धज्जियां उखेड़ के रख दी।
मतलब भाई साहब को रन बनाने के लिए भी तरसा दिया, एक एक बूंद के लिए वो भी। वही दोस्तों, विराट कोहली की लगातार दूसरी फ्लॉप इनिंग देखने के बाद क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को थर्ड डाउन ही भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दो बार ओपनिंग बल्लेबाजी करी इस टूर्नामेंट में और दोनों बार ही वो फ्लॉप साबित हुए और दोनों ही बार वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए।